इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर वंदना श्रीवास्तव के द्वारा वहां के जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया था कि अजान के कारण उनकी नींद में खलल पहुंचती है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और मुस्लिम धर्मगुरुओं का अपना अपना कहना है। आज हमारे साथ में लखनऊ के जाने माने मीर अब्दुल्ला जाफर जी हैं, हम उसे जानेंगे क्या कुछ इस मामले में उनका क्या कहना। सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कुछ देखिए, ये तो एक बहुत फजूल की बात है। अजान जो होती है वो थोड़े वक्फे के लिए होती है, और यहाँ तो बल्कि हम लोग के घर के सामने कोई आधार भी है, यहाँ सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो एक तरफ से अजान हो रही है, दूसरी तरफ से घंटों की भी आवाज़ें आती हैं। तो ये तो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब का एक सिलसिला रहा है, लेकिन वहाँ के जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उन्होंने जो डेसिमल्स अलाउड थे उससे एक पॉइंट कम ही पर रखा था और उससे भी आधी कर दी है, और मीनार की उन्होंने ड्रॉप जो है वाइस चांसलर की तरफ से भी घुमा दिया है। लेकिन एक बर्दाश्त का जो मादा होता है कि अगर इंसान जो है उसे डिस्टर्ब भी हो रहा है किसी वजह से, थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लिया जाता है, लेकिन अब उनकी एक आपत्ति थी, उन्होंने उसका एतराज़ किया। ये महाराज हिंदुस्तान है और एतराज़ करने का उनको हक है, और एतराज़ ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले भी सोनम निगम ने एक एतराज़ किया था कि उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है, और इतने हाई वॉल्यूम के ऊपर ये लोग महफिलें अटेंड करते हैं और गाते बजाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा साउंड होती है, लाउड होता है, उससे उनको नींद डिस्टर्बेंस होता था। उन्होंने सर एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बोला है कि हाई कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले को साथ में लगाया है, तो क्या इस मामले में जो कोर्ट के फैसले होते हैं उसको किस तरीके से देखिए, कोर्ट ने तो एक अपना जनरल फैसला दे दिया है जी कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अगर आप देखें शादी और ब्याह जब होते हैं या बारातें जाती हैं उसमें कितना डीजे वगैरह साथ में बजता हुआ जाता है, साउंड पोल्यूशन के साथ साथ ट्रैफिक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, पब्लिक जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फैसले के बावजूद भी हो रही हैं। तो एक दूसरे से मिल के थोड़ा सा एक अगर कंस्ट्रेंट रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जो कंप्लेंट किया है तो उसका तदारुक भी किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति के तहत ऐसा हो रहा है, ये इनटॉलरेंस है, चूँकि राजनीति आजकल ऐसी हो रही है कि ज़्यादातर जो हमारा एक एथॉस है, जो हमारी एक गंगा जमनी तहजीब है, उसको एक तरह से उस पर अटैक किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर राजनीति इसी पर बेस्ड है तो वो राजनीति बहुत ही ख़राब है और ऐसा करना नहीं चाहिए। राजनीति में सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों का तो एक माहौल ये रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों ने मंदिर बनवाए, हिंदुओं ने मस्जिदें बनवाई, खानखाहें बनवाई, इमाम बाड़े बनवाए, ये जो देवान शरीफ का आपका वाले सलीम शाह साहब का जो रोज़ा है मुसलियम है वो एक ठाकुर ने बनवाया, यहाँ का रोज़ा एक आजमैन जो है वो लाला जगन्नाथ ने बनवाया। तो इस तरह से यहाँ की बहुत सी इस तरह की चीज़ें, लखनऊ कालीगंज का मंदिर जो है वो तो बहू बेगम साहिबा ने उन्होंने ख्वाब 3 रात बतावाते देखा कि फैजाबाद में एक मकाम के ऊपर एक मूर्ति दबी हुई है, वो फरियाद कर रही है कि हमें आज़ाद करो, फरासत में ले कर चलो। उन्होंने जब वहाँ के ऊपर अपने कारिंदों से बताई करवाई तो हनुमान जी की मूर्त निकली, और चूँकि उसने एक डायरेक्शन दिया था कि हमें फलासिन में ले कर चलो, जो कि फैजाबाद से लखनऊ का वो डायरेक्शन था, बहुत ही एहतमाम के साथ एक हाथी को नहलाया धुलाया गया, सजाया गया, उसके हौदे पर हनुमान जी की मूर्त रखी गई, और वो काफिला फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जब रवाना हुआ, जहाँ पुराना अलीगंज का मंदिर है, जब उस मकाम के ऊपर वो हाथी आया तो वहाँ के ऊपर ठहर गया,
लोग समझे कि शायद थक गया है, दूसरा हाथ ही सजाया गया था और गया तो लोगों ने कहा कि शायद बिगड़ गया है, तीसरा हाथ ही सजाया गया वो वहीं बैठ गया तो लोगों ने ये शायद महसूस किया कि शायद वो जगह आ गई है जो कि इंडिकेटेड है। तो बेगम साहिबा फैज़ाबाद से लखनऊ तशरीफ लाई, पुराने हनुमान जी का जो यहाँ के ऊपर मंदिर है अलीगंज में उसकी संग बुनियाद रखी, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। फिर जो नवाब शजाउद्दौला की दूसरी बेगम थी छतर कंवर, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, जागीर दी कि उसकी आमदनी से मंदिर के अखराजात पूरे हों। और जो श्रद्धालु वहाँ के ऊपर आते थे उस ज़माने में तो लाल लंगोटी वाले कहलाते थे, और वो तकर्मा करते हुए आते थे और ज़मीन को नापते हुए आते थे, उनके साथ में उनके माता पिता होते थे, वो एक बाल्टी में पानी होता था वो पानी छिड़कते हुए और कहीं कहीं तो उनको एक बाल्टी पिलाते हुए भी, तो वो औंधे मुँह सड़क नापते हुए मंदिर तक आते थे उसमें, और आप भी हैं। तो वो मतलब ये बेगम साहिबा जो थी नवाब शजाउद्दौला की, ये दूसरी बेगम थी, नवाब सादत अली खां की वालिदा थी, उन्होंने वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए जो पानी का, शरबत का, सब्जियों तरकारी का और मिठास का इंतज़ाम किया और अहतमाम किया, तो वही बड़ा मंगल हो गया लखनऊ का। तो ये लखनऊ में बड़ा मंगल जो मनाया जाता है ये उस वक्त की शुरुआत है जो एक हमारी हेरिटेज है। और हम लोग अक्सर बड़े मंगल में जब ये पत्रकार एसोसिएशन जो है वो वहाँ के ऊपर ये सब्जी तरकारी और गोदी के लड्डू ये सब बांटते हैं, हम लोग उसमें शरीक भी होते हैं और अपने हाथ से भी बांटते हैं, बड़ी इज्जत के साथ वो तबर्रुक एक तरह से प्रसाद के तौर के ऊपर लिया जाता है। और अब तो पूरे लखनऊ में ये फैशन सा हो गया है कि वहाँ स्टॉल्स लगाए जाते हैं और उसमें तबर्रुक बांटा जाता है, उसमें तो पिज़्ज़ा और पेप्सी बढ़ने लगी है। बहरहाल ये जो पुरानी बातें हैं ये जब तहजीब के जो नमूने हैं अगर इसको अपनाया जाए तो इस तरह से जो खलफशार मचा हुआ है शायद इससे निजात मिलेगी, लेकिन अगर इस तरह से एतराज़ात होते रहेंगे तो ये जो हमारा एक एहतास है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब की एक रूह है उसके ऊपर तो फही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़रा सा तंबी करें और इन चीज़ों को पॉट जो है वो भी ज़रा सा उस नज़रिए से देखे, थोड़ा सा बर्दाश्त का भी मानता अगर इंसान में है तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने शहर के लिए भी, अपनी सोसाइटी के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, पूरी दुनिया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से सारी बातें बताई और लखनऊ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके बारे में ही बताया। आगे देखते रहिए विद्रोही आने, हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।